सेहतमंद रहना है तो भारतीय व्यंजन का कोई जोड़ नहीं है, कोई इस व्यंजन का लुफ्त उठाने से अगर चूक जाता है तो कहीं ना कहीं अपने सेहत से थोड़ी सी खिलवाड़ तो कर ही जाता है। ऐसे में आज हम आपको बताना चाहते हैं एक ऐसे जबरदस्त व्यंजन के बारे में जो सेहतमंद भी है और खाने में स्वादिष्ट भी होगा। तो चलिए जल्दी से बताते हैं वो व्यंजन क्या है, और वो खास व्यंजन है मूंग दाल गोंद पाक। जी हाँ, ऐसे में आपको ये फायदा देगा अगर आप सर्दी में इसे खाएंगे। और इसमें सामग्री के रूप में चाहिए हमें 500 ग्राम मावा, 150 ग्राम मूंग दाल, 400 ग्राम चीनी, 100 ग्राम गोंद, 125 ग्राम बादाम, एक चम्मच केसर, पाव कटोरी बादाम की कतरन, हाफ चम्मच पिसी हुई छोटी इलायची, शुद्ध घी। अब हमें बनाने की विधि के बारे में जानना है। सबसे पहले गोंद को धूप में सुखा लें, फिर मूंग दाल और बादाम रात को अलग अलग भिगो दें, सुबह पानी निथार लें, बादाम छील लें, मूंग व बादाम अलग अलग दरदरा पीस लें। अब गोंद को मोटा दरदरा करके छान लें और चूरा अलग रख लें। मावा को मोटी छलनी से छान कर अलग रख लें। एक कड़ाही में घी गर्म करके मोटा गोंद तल लें, फिर उसी घी में दाल और बादाम डालकर धीमी आंच में हल्का गुलाबी सेक लें। दोनों अच्छी तरह भुन जाने पर गोंद का चूरा और मावा उसमें डाल लें और 5 मिनट और सेक कर उतार कर रख दें और ठंडा होने के लिए रखें। अब चाशनी बनाकर इसमें भुना हुआ मिश्रण, बादाम की कतरन, केसर, तली हुई गोंद और इलायची अच्छी तरह से मिला दें। फिर थाली में घी का हाथ लगाकर इसे फैला कर जमा कर दें और फिर पसंद के आकार में चक्की या बर्फी के आकार में काट लें। ठंड के दिनों में ये खास तौर पर बनाया गया ये खास व्यंजन सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक साबित होगा। क्यूरियन हेल्थ एक्स की रिपोर्ट।